ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज पर दिन भर की बड़ी खबरें। उपचुनाव में जीत के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर अखिलेश यादव ने कहा कि लोग पुरानी बातें याद दिला रहे हैं, लेकिन कभी कभी पुरानी बातें भूलनी पड़ती हैं। ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर सही होती तो समाजवादियों की जीत और बड़ी होती। गठबंधन के सवालों पर अखिलेश ने कहा कि भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। चंडीगढ़ में मायावती बोली कि पूंजीवादी ताकतों को हराना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। गुजरात से राज्यसभा के लिए 4 उम्मीदवार आज निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इसमें 2 बीजेपी और 2 कांग्रेस के हैं। यूपी में 23 मार्च को चुनाव होगा। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 31 लोगों के खिलाफ चारा घोटाले में दुमका कोषागार से गबन के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला कल तक के लिए टाल दिया। लालू यादव फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है। सीबीएसई 12वीं के बोर्ड के अकाउंट्स के पेपर लीक होने की खबर आई। सीबीएसई के सीनियर पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर रमा शर्मा ने बताया, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, सभी एग्जाम सेंटर पर पेपर सील बंद थे। उन्होंने ये भी कहा कि व्हाट्सएप के जरिए कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश की है, इसीलिए सीबीएसई ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। केंद्र सरकार ने आज प्राइवेट नौकरी करने वालों को तोहफा दिया है। लोकसभा में ग्रेच्युटी भुगतान संशोधन विधेयक 2017 पास हो गया, जिसके बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री हो जाएगी। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल के तहत टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव था और अब इसके कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है। श्रीनगर में बाहरी इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।